Hello everyone, welcome to VB Law. So in today's video, I'm going to show you the previous year question paper of UP Judiciary Mains Exam. ठीक है, मेन्स एग्जाम के रिगार्डिंग जो है आपको मैं पेपर दिखाने वाली हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न क्या है एग्जाम का. तो आज की वीडियो में सीपीसी और एविडेंस के क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो यू कैन रेज द सुपर थैंक्स. ठीक है, आप कर सकते हो रेज, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड के साथ मिल जाएगा. तो आई एम गोइंग टू शो यू, दिस इज द पेपर ऑफ यूपी जुडिशरी मेन्स एग्जाम. ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन आए हुए हैं. सो सीपीसी का पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ सीपीसी रिलेटिंग टू द इश्यू ऑफ कमीशन, ऑल्सो गिव्स यू टेबल इंस्ट्रक्शन. तो एक ही क्वेश्चन 40 मार्क्स का है, उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रखते हैं. ठीक है, एक तो आपको कमीशन दैट इज ऑर्डर 26 ठीक है आया हुआ है, फिर सेक्शन 75 to 78 है. सो प्रोविजन हमें आपको सेक्शंस और ऑर्डर्स को हमेशा कोरिलेट करके लिखना है. ठीक है, सेक्शंस और ऑर्डर्स को आपको क्या करके लिखना है, कोरिलेट करके लिखना है. सीपीसी में आपको ज्यादा मार्क्स आएंगे. अगर आपको यह है कि मैं आंसर राइटिंग मेंस के लिए कैसे आपको आंसर राइटिंग लिखना है उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट. फिर इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन द रूल ऑफ नोटिस. नोटिस सेक्शन 80 में वैसे तो जनरल रूल क्या है कि नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है जब भी प्लेंटिव केस फाइल करता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट. बट अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट अगर उसने कोई भी एक्ट ऑफिशियल कैपेसिटी में किया, देन नोटिस इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 80. तो वेव किया जा सकता है, यस, अंडर द अर्जेंट या इमीडिएट रिलीफ चाहिए होता है, देन दैट कैन बी वेव्ड बाय द कोर्ट. सो ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन अ प्लेंट बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट, फिर ऑर्डर 7 रूल 11. इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है सीपीसी की उसमें से ही आपको क्वेश्चन आए हुए. ठीक है, 40 मार्क्स का तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है इन्होंने. आगे अगेन फिर जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. ठीक है, फॉरेन जजमेंट का क्वेश्चन आ गया, फिर आपको प्लेस ऑफ सुइंग के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है. ठीक है, ऐसे पैटर्न के आपको क्वेश्चन आते हैं. देन अगेन, ठीक है, मिस जॉइंट एंड नॉन जॉइंट ऑफ पार्टीज, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, अगर आपने देखा हो वो जरूर देख लेना कि मिस जॉइंट एंड नॉन जॉइंट क्या होता है, उसका व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मिस जॉइंट एंड नॉन जॉइंट ऑफ पार्टीज. ठीक है, ऑर्डर 1 रूल 9. तो जस्ट लुक एट दैट वीडियो. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट प्रोविजन. सो उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव सूट, वी नो दैट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्डर 1 रूल 8 में डेल्ट किया गया है, रेस जुडिकाटा इसके ऊपर अप्लाई करता है. सो डिस्कस इन लाइट ऑफ द डिसाइडेड केसेस, जहां पे आपको क्वेश्चन में उन्होंने लिख दिया कि डिसाइडेड केसेस से आपको करना है तो वहां पे आपको केसेस लिख के आने हैं. अगर आप नहीं लिख के आओगे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. कि हर क्वेश्चन में केसेस लिखने की जरूरत नहीं है, बट जहां पे स्पेसिफिकली पूछ लिया वहां पे तो लिखने ही पड़ेंगे आपको. ठीक है, देन अगेन इफ यू सी, ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन आ रखा है. उसके बाद जो है एविडेंस के क्वेश्चन, रेस जस्टिस सेक्शन 6 का क्वेश्चन, फिर सेकेंडरी एविडेंस को लेके सेक्शन 63, प्रिजम्पशंस. ठीक है, जितने भी अगर आप देखो सीपीसी के जितने हमने क्वेश्चन देखे एविडेंस के, अभी जो मैं आपको क्वेश्चन, सारे आपके इंपॉर्टेंट प्रोविजन में से आए हुए हैं क्वेश्चन. ठीक है, सो डू मेक श्योर कि आप उसके जो है नोट्स प्रिपेयर कर लो, आपको लास्ट में दिक्कत ना आए. हॉस्टाइल विटनेस पे 154 सेक्शन, लीडिंग क्वेश्चन 141, एकम्प्लिस 133, रेलेवेंसी ऑफ कस्टम पे क्वेश्चन आ रखा है आपको. ठीक है, सो इफ यू लुक एट द पैटर्न ऑफ द पेपर की सारे आपको वही क्वेश्चन है, जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है. देन ठीक है, फिर सेक्शन हमारे 40 से स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, एक्सपर्ट और ऑर्डिनरी विटनेस के बीच में क्या डिफरेंस है, 45 सेक्शन. सी दिस क्वेश्चन, जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कोर्ट यूज इन द इंडियन एविडेंस. अब कोर्ट की डेफिनेशन तो छोटी सी दी हुई है, ऑल द जजेस एंड मजिस्ट्रेट दैट आर ऑथोराइज टू टेक लीगल एविडेंस. ठीक है, तो वो कोर्ट होते हैं, आर्बिट्रेटर्स आर नॉट इंक्लूडेड. अब अगर आपको इस क्वेश्चन में डिसाइडेड केसेस नहीं पता है तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स वहीं पे डिडक्ट हो जाएंगे. तो स्पेसिफिकली ऐसे क्वेश्चन तो आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे. ठीक है, उसका आप नहीं लिख के आ पाओगे आंसर्स अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो जितना हो सके पेपर के पैटर्न से आपको अभी तक पता चल गया होगा कैसे तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है. हर क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है टू द आंसर एंड क्रिस्प आंसर आपके होने चाहिए, प्रिसाइज एंड क्रिस्प आंसर. ठीक है, यू गेट एनी प्रॉब्लम लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, वी कैन डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो. यू कैन सर्च माई नेम, दिस इज माई नेम विश्वानी बंसल, स्पेलिंग्स आप जो है सर्च करके. ठीक है, अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है आपको 10% ऑफ मिलेगा हमारे चैनल का कोड यूज करके, और आप फ्री क्लासेस होती हैं एक अनअकैडमी पे वो भी वॉच कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड.
पीवाई क्यू सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यूपी एंड बिहार के लिए। यू कैन वॉच दिस टेस्ट सीरीज केस लॉस के लिए। इसके लिए सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, ये कोड यूज करके आप एनरोलमेंट करवा सकते हो, ठीक है। यूपी एंड बिहार के लिए अभी बैच स्टार्ट हुआ है 1 जून से। दिस इज टोटली फ्री टेस्ट सीरीज, यू कैन चेकआउट दिस ऑल्सो। ये मेंस के लिए टेस्ट सीरीज है, ये भी प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी होगी, ये भी आज से स्टार्ट होगी है, ठीक है। सो दीज आर द फ्री क्लासेस, हर सब्जेक्ट के ऊपर है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, नीचे आपको नंबर भी दिया हुआ है। सो ये डिफरेंट प्लान है आपके प्लस सब्सक्रिप्शन के, इस कोड को यूज करके आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। एंड ये आइकॉनिक के प्लान है, ये कोड यूज करके अगेन आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल वीबी लॉ, बाकी की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच एवरी वन, डू लाइक द वीडियो, यू कैन रीज द सुपर थैंक्स, टेक केयर ऑफ।